बिहार मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बिहार की 44 लोकसभा सीटों के लिए एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच चुनावी टक्कर है, लेकिन दोनों ही गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान मची हुई है। हालांकि एनडीए में किसी तरह से सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन गई है, हालांकि इन सीटों के बंटवारे में चिराग की पार्टी को जो हासिल हुआ है वो बेहद दिलचस्प है और बिहार में भविष्य की राजनीति की ओर भी इशारा कर रहा है। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए चाचा पशुपति पारस को दरकिनार कर बिहार में चिराग पर दाम लगाया है, जबकि चिराग के चाचा पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी सीट शेयरिंग में खाली हाथ ही नजर आ रही है। उधर बिहार में विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सिर्फ फुटबॉल देखा जा रहा है। बता दें आपको कि तेजस्वी यादव की ओर से महागठबंधन में सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला सामने आया है उसके बाद कांग्रेस के होश उड़ गए हैं। वहीं तेजस्वी के फॉर्मूले से लेफ्ट पार्टियां भी बेहद नाराज दिखाई दे रही हैं। जी आपको बता दें कि फिलहाल जो स्थिति बिहार में बनी हुई है, चिराग पर दांव भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है, सीटों पर जो टकराव है वो फिलहाल देखा जा रहा है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए जंग बदस्तूर जारी है। एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर मोहर लग चुकी है, हालांकि महागठबंधन में अभी भी खींचतान मची हुई है। बता दें आपको कि एनडीए में जेडीयू को 16 सीटें दी गई है, बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं चिराग की पार्टी को भी 5 सीटें मिल गई है। पशुपति पारस के हाथ फिलहाल खाली है, चाचा को छोड़कर भतीजे पर दांव चला है भारतीय जनता पार्टी ने और ऐसे में विपक्ष में सिर्फ फुटबॉल फिलहाल बना हुआ है। आरजेडी कांग्रेस के बीच सीटों की खींचतान फिलहाल देखी जा रही है। आरजेडी ने कांग्रेस को महज 7 सीट दी है, उसकी पेशकश की है और ऐसे में कांग्रेस ने 11 सीटें मांगी थी, 40 में से 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन आरजेडी की तरफ से महज 7 सीटों की ही पेशकश की गई। ऐसे में लेफ्ट को भी तेजस्वी ने सिर्फ 3 सीटें दी हैं। कांग्रेस और लेफ्ट सीट शेयरिंग फॉर्मूले से खासा नाराज है। ओवैसी ने आरजेडी कांग्रेस का खेल बिगाड़ने की भी तैयारी कर ली है। फिलहाल जो हालात और जो स्थितियां देखी जा रही है उसके मद्देनजर बिहार की सियासत बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में 40 सीटें बिहार की, आखिर किस तरह से इन पर अपना कब्जा जमाया जाए उसकी कोशिशों में सभी पार्टियां लगी है और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़े, उनकी पार्टी चुनाव लड़े, इसकी भी कोशिशें बदस्तूर जारी है। माहौल अपने पक्ष में बनाने की भी कोशिशें जो है लगातार देखी जा रही है, चुनावी जनसभाएं हो रही है, चुनाव प्रचार किया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक दिलचस्प चीज ये निकल के सामने आई कि चाचा पशुपति पारस के हाथ खाली है, तो वहीं महागठबंधन में भी अभी सीटों पर खींचतान लगातार देखी जा रही है। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ पूनम सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, बहुत स्वागत है आपका पूनम जी। हमारे साथ डॉक्टर स्नेहा शीशवर्धन पांडे जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका स्वागत है। डॉक्टर अनुप्रिया जेडीयू से हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है आपका। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं प्रमोद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रमोद सिंह जी प्रवक्ता हैं आरजेडी के। प्रमोद जी आपका भी बहुत स्वागत है। और इस खास कार्यक्रम की शुरुआत पूनम जी आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि एनडीए में सीट शेयरिंग हुई, फॉर्मूले पर मोहर भी लग गई, लेकिन क्या वजह है कि पशुपति पारस के हाथ बिल्कुल ही खाली छोड़ दिए? नेहा जी, अभी आपने देखा कि हम लोगों ने सीटों का लेकर के जो भी निर्णय लिया गया है उसमें पारस की अपना मांग जो रखे है उसमें विचार हो रहा है, उसमें कैसे उनको कहाँ जगह दी जाए इससे भी चर्चाएं हो रही है। पशु पारस जी क्या चाहते हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमको इतनी सीटें चाहिए, लेकिन सबको कहीं ना कहीं हम लोग को एडजस्ट करना है, तो सबको एडजस्ट करते हुए कोई ऐसी दिक्कतें नहीं आ रही है। पारस जी भी तुरंत कुछ देर में आपको देखने को मिलेगा कि वो भी अपने जो सहानुभूति देंगे और कहेंगे कि हम लोग एनडीए के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि
हम लोगों का टारगेट है। खबर तो ये भी है कि अगर आप खाली हाथ रखेंगे तो वो जो गठबंधन है एनडीए गठबंधन उसका भी रुख कर सकते हैं। देखिए अभी इसमें कहना जल्दीबाजी होगी कि वो खाली हाथ रहेंगे, क्योंकि ऐसी कोई घोषणा नहीं है ना पारस ने कोई निर्णय लिया है, तो ऐसे कहना जल्दबाजी होगी। यहाँ जी इस पे विचार हो रही है, बैठकें भी चल रही है, पारस भी अपनी बैठक कर रहे हैं, उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो सवाल इस बात को लेकर है ना मैम, किसकी सीट कटेगी? 16 पर जेडीयू, 17 पर बीजेपी, चिराग को 5 सीटें मिल गई, उपेंद्र कुशवाहा मांझी को एक एक सीटें मिली, कहाँ सीटें किसकी कटेगी फिर? नहीं नहीं अभी ये औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, अभी घोषणा कहाँ हुई है? घोषणा होने से पहले आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि कहाँ कौन कितने सीटों पर लड़ रहा है। इसकी अभी घोषणा होने दीजिए, आप सबको भी सामने आ जाएगा कि कौन पारस जी को कितनी सीटें कहाँ दी जा रही है। ये सारी चीजें एनडीए के घटक दल बैठ के कर रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। विपक्ष को बताना चाहिए कि अपनी सीटें कब कितने जगह पर लड़ने के चाह रहे हैं और कितने जल्दी वो घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि कल आचार संहिता का जैसे आप लोगों के माध्यम से आ रहा है कि घोषणा भी हो सकता है। तो अति शीघ्र भारतीय जनता पार्टी आज शाम तक अपनी सारी जो भी सीटें हैं उसकी घोषणा कर देगी, कहां कितने सीटों पर हम लोग लड़ रहे हैं। ठीक है अनुप्रिया जी, पार्टी में सब कुछ ठीक है और गठबंधन में सब कुछ ठीक है क्या? 16 ही सीटें उम्मीद की थी क्या? अभी मैं आधिकारिक रूप से मैं ये बात नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्द ये सॉल्यूशन हो जाएगा और हमारे सिर्फ नेतृत्व ही इसका तय करेंगे। लेकिन एक चीज मान के चलिए कि 2019 में जो हमारी सीटें थी वो 16 थी और 16 पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा था और हमने जीत भी हासिल की थी, और हमारे नेता विजय चौधरी जी ने ये भी कहा कुछ दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जब मंच शेयर कर रहे थे कि जो कथक रह गई थी एक सीट की वो सीट भी हम लोग इस बार जीतेंगे और बिहार की जनता जो है 40 की 40 सीट इस बार उनको एनडीए की तरफ होगी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पुनः जीत की अग्रसर करने की होगी। और मुझे लगता है कि बहुत ही कम समय रह गया है कि इन बातों को लगे उम्मीद नहीं, तो ये हमारा तो स्ट्रैटेजी शुरू से रहा है और पहले भी इसी सीटों की बंटवारे 16 सीटें पिछली बार जीती थी, लेकिन इस बार 16 पे ही चुनाव आप लड़ रही हैं, मतलब ये कहा जा रहा है ऐसा? वही मैं कह रही हूँ कि ये अभी आधिकारिक रूप से ये बात मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पार्टी के सिर्फ नेतृत्व ही कहेंगे, लेकिन ये तो है ना कि हमारे 16 सांसद हैं और जब चुनाव जीतनी है और बिहार की जनता पे जब डबल इंजन की सरकार ने काम किया है तो ये जनता की मांग है कि पुनः उनके क्षेत्र के सांसदों को मौका मिले और वो फिर से डबल इंजन की सरकार में काम करे। तो ये बीच में इंजन उतर गया था ना, जनता तो वो भी देख रही है ना कि बीच में जो पटरी से इंजन उतर गया था, कहाँ डबल इंजन की सरकार ने 5 साल काम कर लिया। हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वो हो गई थी गलतियां बट अब वो फिर से दोबारा नहीं होंगी, अब जो जहाँ है। और देखिए ये मान के चलिए कि नेचुरल अलायंसेस है बिहार में और जेडीयू और बीजेपी जो है वो शुरू से रहे और ये जनता की पसंद रही है। और अब जो बातें हैं कि जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रतिबद्धता यह है कि जहाँ बिहार की विकास हो सके और बिहार के विकास की गाथा रुकनी नहीं चाहिए, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सीट शेयरिंग का मामला है सारे जितने भी सहयोगी दल हैं एनडीए में, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लोजपा भी है, मांझी जी की भी पार्टी है, तो कई अलग भी लोग कई और भी संगठन जुड़ रहे हैं। तो ये हमारा मोटो यह है कि जीत सुनिश्चित की जाए कि 400 पार मोदी जी के नारा को हम लोगों को सफल बनाना है। ठीक है सीधा सा सवाल मेरा यहाँ पांडे जी आपसे है, स्नेहा शीशवर्धन पांडे जी, सर जो 7 सीटें दी गई हैं कांग्रेस पार्टी संतुष्ट है क्या? वो संभवतः अभी पूरी घोषणा हुई नहीं है और जो 7 सीट की आपने बात की है वो झारखंड से रिलेटेड है, तो जो चर्चाएं चल रही हैं कि 7 सीट वहाँ और 9 सीट बिहार में, तो निश्चित तौर पर अभी आने वाले समय में और भी बातें होंगी। और हम लोग कितनी सीटों पर आप लड़ना चाहते हैं बिहार में? वो तो मीडिया के थ्रू ही हम लोगों ने सुन लिया कि 15 पर डिमांड है, लेकिन ऐसा कोई डिमांड था नहीं हम लोगों का। हम लोगों की डिमांड थी कि जितनी मजबूती से हम लोग अपने कैंडिडेट का चयन करें, जिन जिन सीटों पे हम भाजपा को और एनडीए को हराने में मजबूत है वहां हमें सीट दी जाए और जहाँ ये बात आप जो कह रहे हैं फिर तो ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो डिमांड करने की स्थिति में नहीं है। देखिए रणनीतिक बातें अंदर खाने में होती हैं, वो पब्लिकली नहीं होती हैं और ये तो तय होगा कि कितनी सीटों पे बिहार में चुनाव लड़ना है, ये तो कार्यकर्ताओं को पता होता है सर। कांग्रेस पार्टी ने 40 सीट पे अपनी तैयारी कर रखी है और जहां भी एनडीए के साथ
हमें लड़ना होगा, नेक टू नेक फाइट देनी होगी वहाँ पे। यहाँ तो बिहार की, बिहार की सात सीटों पर लड़ने की बात कही जा रही है कि कांग्रेस पार्टी को बिहार की सात सीटें दी जाएगी। नहीं, उसे 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 सुधार नहीं देगा। सात सीटें झारखंड में चर्चा चल रही है, वो भी मीडिया के माध्यम से सुनने में आ रही है, और नौ सीट आ रही है बिहार से। लेकिन हम बता रहे हैं कि मुकम्मल सीटों पर हम लोग चलिए नौ सीटों पर तैयार है क्या? हमारी तैयारी मैंने बताई थी कि 400 सीट पे है, और कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से महागठबंधन में, क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ पे सीट नहीं है, हमारा यहाँ उद्देश्य सीधे सीधे है एनडीए को रोकने में। और जहाँ राजद मजबूत रहेगी वहाँ हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, जहाँ हम मजबूत है वहाँ राजद भी कॉम्प्रोमाइज करेगी और कम्युनिस्ट पार्टी भी। इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से हम लोग इंटैक्ट है, इसलिए हम लोगों में ये विवाद है ही नहीं। ठीक है प्रमोद जी, बाकी पार्टियों को इतना कम क्यों आंका जा रहा है? कांग्रेस पार्टी को भी बड़ा छोटा आंका जा रहा है, लेफ्ट को भी बहुत छोटा आंका जा रहा है, उसको तो तीन ही सीटें देने की बात निकल के सामने आई है। आरजेडी 30 सीटों पर लड़ेगी, बाकी मतलब दो और पार्टियों को निपटा दिया 10 ही सीटों में, ऐसा क्यों? सबसे पहले मेरा परिचय प्रमोद सिन्हा है, माफ कीजिएगा सर मैं इसको ठीक कर लेती हूँ। जी ठीक है सर, बताइए। रहा सवाल महागठबंधन में सीटों को लेकर के बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग का मामला है, महागठबंधन दलों के बीच में के शीर्ष नेतृत्व जो है इन सब चीजों को देख रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत कहीं कोई परेशानी नहीं है। और जिस प्रकार से 2020 के विधानसभा चुनाव में इन्हीं दलों के बीच हमारा जो गठबंधन था और आसानी से हम सीट शेयरिंग कर लिए थे, उसी तरह से इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन दलों के बीच में सीट का शेयरिंग हो जाएगा। इसमें कहीं कोई परेशानी की कोई बात नहीं है। जो भी महागठबंधन में दल हैं सबों को सम्मान पूर्वक सीट दिया जाएगा, और हम लोग 40 के 40 सीटों पे महागठबंधन के तमाम नहीं, लगने रहा काफी लेट होते जा रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर। कहीं कोई लेट नहीं हो रहा है। आप देखिए एनडीए में अभी तक कोई फाइनल हुआ है क्या? सिर्फ फुटबॉल की स्थिति मची हुई है। लोजपा को दो फार करने में भारतीय जनता पार्टी की कितनी अहम भूमिका थी ये आपको भी पता है, सारे लोगों को पूरे देशवासी को पता है, किस प्रकार से उनके एक ग्रुप को अलग दल की मान्यता दे गई। तो दो फार आज के डेट में है तभी तो ये समस्या हो रही है। और भी इनके दल में जो छोटे छोटे जो दल हैं उनके साथ भी देखिए आप इस शेयरिंग में समस्या उत्पन्न हो रही है। हमारे यहाँ कहीं कोई समस्या नहीं, आप निश्चिंत रहिए। जल्द ही बिहार में जो 40 सीट है, 400 सीट पर महागठबंधन दल के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है इसकी जानकारी आप लोगों के माध्यम से दे देंगे। नहीं तो ये आप क्यों कह रहे हैं कि देखिए एनडीए में तो दो फाड़ है और एनडीए जो है उसने ही भारतीय जनता पार्टी ने लोजपा को दो फाड़ में किया। लोजपा आपने देखा ना, अगर भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, इनके अगर गठबंधन में किसी दल के अंदर अगर कोई खींचतान हुआ तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में चाहती तो दोनों के मतभेद को सुलझा सकती थी, लेकिन मतभेद को न सुलझा करके उनको एक अलग पार्टी का मान्यता, एक अलग दल का मान्यता दिया गया। आज जो लोजपा दो भागों में विभक्त हुई है तो इसमें कहीं ना कहीं उनकी भूमिका है कि नहीं है। ठीक है, आज जो पूनम जी ये भी तो क्या बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से फूट डालो शासन करो की नीति अपना रही है, हर पार्टी को दो फाड़ में, यहाँ शिवसेना को, एनसीपी को, और उसके बाद अब देखिए बिहार में भी लोजपा जो सबसे पहला उदाहरण सामने आया। नेहा जी, आरजेडी के प्रवक्ता इतने बौखला गए हैं कि इनके नेता खुद, आपने देखा तेजस्वी जी कहे थे कि बिहार में खेला होगा, जेडीयू के 17 विधायक मेरे खेमे में आएंगे और बाकी 17 विधायक भारतीय जनता पार्टी में विलय कर लेंगे। ये बताए कि इनके नेता इस तरह का आरोप लगाते हैं, तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं, और अभी ये प्रवक्ता बैठ करके डिबेट में कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एलजेपी को तोड़ने का काम की है। मैं पूछना चाहती हूँ प्रवक्ता महोदय से कि प्रवक्ता जी चिराग जी कहे कि हम लोगों का आपसी विवाद है, चाचा भतीजे का आपसी विवाद में जो भी हुआ है आपसी विवाद है, किसी पार्टी को उन्होंने उंगली नहीं उठाई, लेकिन आप क्या एलजेपी के नेता है क्या, या चिराग पासवान जी के कोई रिश्तेदार है क्या, आप किस तरह का आरोप लगा रहे हैं? कभी चिराग जी ने यह आरोप नहीं लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ी है, मेरे पार्टी को दो फाट में किया, लेकिन आपके नेता तोड़ने की राजनीति करते हैं और जो खेला नहीं खेल पाए और जो हताश गिरे हुए, तो 17 महीने की गद्दी चले जाने के बाद वो जनता के बीच में जाते हैं और
जब सत्ता रहती है तो एक भी बार जनता की याद नहीं आती है। ठीक ये है, प्रमोद जी तोड़ने की राजनीति ये लोग करते हैं और लोगों को जाति में बांटने का राजनीति ये लोग करते हैं, क्योंकि दाल नहीं चलने वाली है। जब दिल्ली में इनका बंगला खाली कराया गया था तो आपने अच्छी चीज देखी थी, किस प्रकार से श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के चित्र को भी सड़कों पर इन लोगों ने फेंकवाने का काम किया था, आज उनके हितैषी बने हुए। और रहा सवाल हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, तो मीडिया के माध्यम से ही उन्होंने देखने का काम किया कि रात के 12 बजे 1 बजे वो हॉस्पिटल में जाते थे औचक निरीक्षण के लिए, जनता के बीच लगातार बने हुए थे और जनता के ही मांगों को लेकर के वो सदन में अपनी बातों को रख रहे थे। तो 17 महीनों की जो सरकार थी बिहार में महागठबंधन की, उसमें आपने देखा कि 70 दिनों के भीतर एकमात्र विभाग शिक्षा विभाग में लगभग 2.25 लाख नौकरियां देने का काम किया गया। ये अपने आप में देश के किसी राज्य में ये ऐतिहासिक बात है। बिहार का ही युवा नहीं बल्कि देश का युवा आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी की ओर अपने भविष्य को संवारने को लेकर चक्कर वो तो ठीक है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है ना, सीट शेयरिंग का फॉर्मूले का क्या समाधान निकलेगा सर? क्या किया तो क्या नहीं किया 17 महीने में आप लोगों ने, कौन से बड़े बड़े काम कर दिए, इसका तो जवाब जनता देगी ना। बिल्कुल, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। सीट शेयरिंग पे जवाब आप लोगों को देना है, क्या लगता है कब तक चीजें सामने हो जाएगी, तस्वीरें साफ हो जाएगी? बहुत जल्द स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और आप लोगों के माध्यम से जल्द बता दिया जाएगा। हमारे यहाँ कहीं कोई समस्या नहीं है, महागठबंधन दल में जितने भी हमारे साथी हैं सभी लोग सहमत हैं कि देश में जो मुद्दा है, मुद्दा बनाम मोदी की जो लड़ाई है, हमको मुद्दा पे रह करके काम करना है। इंडिया गठबंधन जिस मजबूती के साथ सर बना था उतनी मजबूती के साथ क्या आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? लग नहीं रहा है वो कमजोर होता जा रहा है? नीतीश कुमार निकल गए वहां से और बाकी जो दल है वो भी एनडीए के साथ ही है, बस कांग्रेस और लेफ्ट और आपकी पार्टी। 2020 के लोग विधानसभा के चुनाव में आपने देखा कि हम लोग यही दल के साथ में थे और बिहार में तेजस्वी जी अकेले एक हेलीकॉप्टर से पूरा बिहार दौरा कर रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे, जनसभा कर रहे थे और देश के प्रधानमंत्री से लेके केंद्रीय मंत्री से लेके बिहार के एनडीए के तमाम बड़े नेता 30 से भी अधिक हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे, लेकिन आपने रिजल्ट नहीं देखा। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल एक नंबर की पार्टी, जनता के आशीर्वाद से एक नंबर की पार्टी बनकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में फर्क होता है या नहीं होता? फर्क होता है, लेकिन 2019 का चुनाव बताइए ना सर, उसका नतीजा क्या था? जनता 2019 का बताइए, 2014 का बताइए। एक खाता नहीं खुला था यार, जेडी के प्रवक्ता बैठ करके बयान दे रहे हैं लोकसभा में, बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। नहीं आप बताइए कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने की बात इन लोगों ने की थी, कुल 10 सालों में 7.5 लाख नौकरियां इन्होंने देने का काम किया। रोजगार की बात करते हैं लेकिन वहाँ पर पकौड़ा तलने की बात की जा रही है। आप किसानों को देखिए कि किस प्रकार परेशान किया जा रहा है, सारा वर्ग परेशान है। और आप जब आपको सत्ता मिली जनता के आशीर्वाद से, आप केंद्र में सरकार में आए तो जनता के मुद्दों को कम करना चाहिए था ना, उनके परेशानियों को कम करना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये बताइए कांग्रेस पार्टी को जो सीटें दी जाएगी उसका आधार क्या होगा? लेफ्ट को जो सीटें दी जाएगी उसका आधार क्या होगा? यहाँ तो लड़ाई बीजेपी से नहीं है, अभी एनडीए से नहीं, अभी तो सीट शेयरिंग जो है वो अंदरूनी लड़ाई है आपके गठबंधन की। हमारी कहीं कोई लड़ाई नहीं है, हम तो बार बार बोल रहे हैं हमारी कहीं कोई लड़ाई नहीं है। नहीं, पैमाना मुझे बताइए, मापदंड मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी को किस आधार पे सीटें दी जाएगी और लेफ्ट को किस आधार पे सीटें दी जाएगी? देखिए ये सब हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं, शीर्ष नेतृत्व जो भी महागठबंधन दल में शीर्ष नेतृत्व जो है वो लोग आपस में बैठ के बात कर लेंगे और जल्द ही आपके सामने सारी स्थिति को स्पष्ट कर दिया। पांडे जी अच्छा ये बताइए कि जो 2019 का नतीजा था, क्या नहीं लगता कि उस आधार पर ही सीटें मिलनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को? देखिए हालात बदलते हैं और हालात हर बार अलग अलग होते हैं। तो 2014 का ले लीजिए, पूरी तरीके से हम 2004 से उठाइए, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन यहाँ पे मामला ये है कि स्थिति हम लोग पूरी तरीके से जो बदल रही है वर्तमान में उसके अनुसार हम लोगों ने आरजेडी को निश्चित तौर पे बड़े भाई के नाते बिहार में बड़ा भाई बना के हम लोगों ने एक लड़ाई लड़ी है और निश्चित तौर पे अगर तेजस्वी जी मजबूती से लड़ रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पे नेतृत्व काम करेगा वो सबको मालूम है, तो निश्चित तौर पे अगर बिहार में तेजस्वी जी फ्रंट फुट पर खेलना चाहते हैं
आरजेडी के नेता खेलना चाहते हैं तो कांग्रेस उसमें सहयोग कर रही है। और इंडिया अलायंस जब बना था तो कांग्रेस ने ये बात कही थी। मुझे बताइए 2014 का जो नतीजा था क्या वो एक पैमाना होना चाहिए सीट शेयरिंग का? पैमाने बदलते हैं, पैमाने अभी वर्तमान हालात है। हमारे नेता जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके जब बिहार से गुजरे और आपने देखा कि कैसे लोगों का प्यार उमड़ा और आरजेडी ने भी उसमें समर्थन दिया, कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी समर्थन दिया, तो वो निश्चित तौर पर बताने के लिए काफी है कि नेतृत्व हमारा मजबूत है और हमारे नेतृत्व ने डिसाइड किया है कि अगर आरजेडी बिहार में बड़े भाई की भूमिका में रहेगी तो हमें कोई गुरेज नहीं है। नहीं तो बड़े भाई की भूमिका में तो रहना ही है, जो हालात जो है वो तो वही बता रहे हैं कि आप छोटे ही भाई की भूमिका में, लेकिन कितना छोटा बनेगा ना ये एक बड़ा सवाल है। देखिए राष्ट्रीय स्तर पर न्याय, ये राष्ट्रीय स्तर पर सबको मालूम है राज्यवार हमारे पास छत्रप है, लेकिन देश का नेतृत्व कौन करेगा? राष्ट्रीय स्तर पर कितनी सीटें लेके आए थे पिछली बार बताइए ना। हमारी एक सीट थी। नहीं राष्ट्रीय स्तर पर पूरे पूरे भारत में कितनी सीटें लेके आए थे? क्या विपक्ष के नेता लायक सीट भी थी? ये बताइए कि स्थिति क्या हुई है अभी? ईडी सीबीआई के डर से हमारे नेता किस तरीके से भाग रहे हैं भाजपा में? अभी सबसे ज्यादा जो चंदा खोर भारतीय जनता पार्टी के लोग चंदा प्राप्त करके बैठे हुए हैं, उन लोगों से पूछ लीजिए ना कि किस तरीके से धनबल से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तस्वीरें भी हो सकता है कुछ घंटों में साफ हो जाए या एक दो दिनों में साफ हो जाएगी, जल्दी ही साफ होगी और वाकई देखने वाली बात होगी कि छोटा समझा तो कितना आप लोगों को छोटा समझा, बड़ा समझा तो कैसे बड़ा समझा, पैमाना रहा तो क्या पैमाना रहा, मापदंड रहा तो क्या मापदंड रहा, वाकई देखने वाली बात है। बहरहाल वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।